गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में BM पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपके सिलेबस में से कुछ अध्याय है वो निकल गए हैं। जो वर्तमान में जो अध्याय नंबर 14 चल रहा है वो आपके सिलेबस में शामिल है, जिसे हम CSR कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कहती हैं। हमने कल 9वें पॉइंट का अध्ययन किया था, व्यावसायिक संघों और पेशेवर संस्थाओं के प्रति प्रबंधकों की क्या क्या दायित्व होती हैं। तो जो व्यावसायिक संगठन है, चाहे कोई भी व्यावसायिक संगठन हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे खुदरा व्यापार संघ हो, चाहे थोक व्यापार संघ हो, चाहे फुटवियर संघ हो, इसके अलावा चाहे कपड़ा संघ हो, किराना संघ हो, इस प्रकार जो व्यापारियों के अलग अलग संगठन बने हैं, तो एक प्रबंधक के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन पेशेवर संगठनों की सदस्यता को ग्रहण करें। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य जो व्यावसायिक संघ है उनकी सदस्यता ग्रहण करना, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यावसायिक संघों की सदस्यता हमें ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा, इन संस्थाओं की प्रकाशित सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इन संस्थाओं की ओर से जो प्रकाशित सामग्री है उस सामग्री का प्रयोग है वो अपने व्यापारिक हितों के लिए, अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनी, अपने निगम, अपनी फैक्ट्री, अपने निकाय को बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित जो सामग्री है उसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा, जो इन व्यावसायिक संघ है, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यावसायिक संगठन है बच्चों, उन व्यावसायिक संगठन के जो नियम है, आचार है, विचार है, जो नियमों की संहिता है, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, तो जो नियमों की जो संहिता है बच्चों, उन नियमों की संहिता का पालन किया जाना चाहिए, उन नियमों को माना जाना चाहिए। इन संघों की आचार संहिता का पालन हो, सही से आचार संहिता बनाई जाए और सही ढंग से उसका पालन किया जाए। तो जो इन संगठनों की व्यावसायिक संगठन है, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे थोक, चाहे खुदरा विक्रेता संघ हो, चाहे किराना संघ हो, चाहे फुटवियर संघ हो, चाहे कपड़ा संघ हो, इन संगठनों के जिनकी हम सदस्य हैं, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनके जो नियम है, जो आचरण है, उन नियमों का, आचरणों का हमें सही ढंग से पालन करना चाहिए। चौथा बिंदु है, इन संस्थाओं के सदस्य, जो इन संस्थाओं में क्या करना चाहिए, जो हमारे सदस्य छात्र हैं, जो CA CS कर रहे हैं, उनमें उनकी सेवा में उन्हें नियुक्त कर देना चाहिए। इन संस्थाओं में जो सदस्य हैं, छात्र हैं, उनको सेवा में नियुक्त कर देना चाहिए, उनको सेवा में लगाना चाहिए। और यदि हमारे से किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग हो सकता है तो इनकी परियोजनाओं में हमें आर्थिक सहयोग देना चाहिए। यदि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, थोड़े से आर्थिक रूप से दुर्बल है, तो एक व्यापारी के रूप में, प्रबंधक के रूप में, एक CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में हमारा कर्तव्य है कि इन समुदायों को, इन संघों को हम आर्थिक सहयोग दें। लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं होता बेटा, तो लाभ के साथ साथ जो हमारे व्यापारिक संघ है उन संघों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको मौद्रिक सहयोग देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनकी सभाओं में भाग लेना, इन संगठनों की जितनी भी सभाएं होती हैं, सम्मेलन होते हैं, वार्षिक सम्मेलन होते हैं, तो इनकी सभाओं में भाग लेना, इन समूहों की, इन समुदायों की, इन व्यावसायिक संगठनों की सभाओं में भाग लेना और इनके साथ उचित विचार विमर्श करना। तो इनकी सभाओं में भाग लेना चाहिए और इनके साथ उचित विचार विमर्श करते रहना चाहिए। तो जब भी व्यावसायिक संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्यिक संघ हो, व्यापारिक संघ हो, समुदायों की मीटिंग हो, तो इनकी मीटिंग में, इनकी सभाओं में हमें भाग लेना चाहिए और
इनके साथ विचार विमर्श है वो करना चाहिए, इनके साथ विचार विमर्श है वो अत्यंत आवश्यक है, इनकी सभाओं में भाग लेना, इनके साथ विचार विमर्श करना भी आवश्यक है। अब हमारा जो आज का बिंदु है वो पॉइंट नंबर 10 है, स्थानीय जन समुदाय। जिस क्षेत्र में प्रबंध की फैक्ट्री है, इकाई है, उद्योग है, जहाँ जिस शहर में जिस कस्बे में वह काम कर रहा है, जहाँ पर उसका ऑफिस है, जहाँ पर वह लोकल है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसे प्रबंधक को, ऐसे सीईओ को, ऐसे मालिक को स्थानीय जन समुदाय के प्रति अपने कुछ दायित्व हैं, इनका पालन करना चाहिए। पहला क्या है, प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना। जो उस क्षेत्र में, जो स्थानीय क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ है, वनस्पति है, खनिज है, वायु है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित रहें, वो साफ रहें, उनका दोहन न हो, वो उनके क्षेत्र में उनका दुरुपयोग न हो पाए, तो हमारा उद्देश्य है कि हमें स्थानीय स्तर पर कच्चा माल तो मिले लेकिन उससे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना परम आवश्यक है। तो प्राकृतिक संपदा जिस क्षेत्र, जिस लोकल एरिया, जिस टाउन, जिस कस्बे में और जिसके आसपास के इलाकों में पहाड़ी है, पठार है, मरुस्थल है, या वन्य क्षेत्र है, या जंगली क्षेत्र है, तो वहाँ पर प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक संपदा में जीव जंतु, खनिज, पर्यावरण, वन, ये सभी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रबंधक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकें। ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण कम हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कम हो, वनों की कटाई न हो, जिस क्षेत्र में हमने फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना, इकाई, निगम लगाए हैं वहाँ का आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, इसके लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, इसके आसपास के क्षेत्रों को ध्वनि प्रदूषण से विमुक्त करना चाहिए, जहरीली गैसों या रासायनिक गैसों का रिसाव न हो, तो न ही हमारे जो हानिकारक केमिकल है वो जल में प्रवेश करे, नदियों में, झीलों में, तालाबों में प्रवेश न करे, जिससे कि वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, जो एक्वेटिक क्लाइमेट है, जो जलीय जीव है, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकना एक प्रबंध के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा, स्थानीय जन समुदाय, उनके रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो स्थानीय जो जन समुदाय है, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हमने फैक्ट्री डाली है, उद्योग डाला है, इकाई बनाई है, औद्योगिक संगठन बनाया है, औद्योगिक निगम की स्थापना की है, उसके आसपास, उस क्षेत्र के आसपास के कस्बे के लोगों को, गाँव के आसपास के लोगों को रोजगार देना ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकल फर्स्ट, ये नारा होना चाहिए कि जो लोकल है उसको पहला चांस मिलना चाहिए, उसे ही रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। तो हमारे जो स्थानीय जन समुदाय है उनको रोजगार मिले, उनके रोजगार के अवसर विकसित हों, उन्हें रोजगार से महरूम न रखा जाए। तो जो स्थानीय जन समुदाय है, जो स्थानीय लोग हैं, जो इस क्षेत्र में रहने वाले आसपास के गांव के लोग हैं, उस कस्बे में रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, उन लोगों को अच्छा प्रशिक्षण देकर जन समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अगला हमारा बिंदु है चौथा, जन कल्याणकारी संस्थाएं। तो हमने पैसा कमाया है, हमने लोकल से पैसा कमाया है, हमने स्थानीय जन समुदाय में अपनी फैक्ट्री, उद्योग, कल कारखाने, औद्योगिक इकाइयाँ लगाई है और हमने वहीं से अपना प्रॉफिट कमाया है, तो हमारा प्रॉफिट में कुछ न कुछ हिस्सा है वो जो स्थानीय जन समुदाय है उसके कल्याणकारी कार्य है, चाहे अस्पताल हो, चाहे वहाँ पर स्कूल हो, चाहे धर्मशाला हो, तो उनके लिए खर्च किया जाना चाहिए। तो जो हमने पैसा कमाया है, सारा धन खर्च करने के बजाय, सारा धन इकट्ठा करने के बजाय, हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमारा जो स्थानीय जन समुदाय है, जो स्थानीय जो क्षेत्र है, उसमें अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे सड़कें हो, अच्छे यातायात की सुविधा हो, अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्था हो, IIT हो, IIM हो, इसके अतिरिक्त
वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, चिकित्सा सुविधा अच्छी हो, मरीजों के लिए बेड की सुविधा हो, तो जन समुदाय के रूप में, जन समुदाय को ये लाभ देना एक प्रबंधक के रूप में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हमारा प्रबंधक के रूप में हमारा कार्य क्या है कि जो जन कल्याणकारी जो संस्थाएँ हैं, चाहे वो अस्पताल है, शिक्षण संस्था है, धर्मशाला है आदि की स्थापना हमें करनी चाहिए, जिससे कि जो आगे तक जो नाम है वो बना रहेगा। तो जन कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षण संस्था हो, चाहे धर्मशाला हो आदि की स्थापना करके हम जन समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्व, हम उनके प्रति ऋण और पैसा जो हमने कमाया है उसका कुछ भाग है वो जन समुदाय के लिए खर्च करना चाहिए। जैसे रतनगढ़ के जो हमारे जो नगर सेठ है वो जालान है, तो जालानों ने हमारे रतनगढ़ में हॉस्पिटल से लेकर, इसके अलावा जो अशोक स्तंभ है, घंटाघर है, इसके अलावा हनुमान पार्क है, गौशाला है, कई कॉलेज हैं, वो उन्हीं की देन है। तो जन कल्याणकारी संस्थाएं जैसे कि अस्पताल है, शिक्षण संस्था है, धर्मशाला है आदि की स्थापना करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जिस स्थानीय स्तर पर, स्थानीय क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वहाँ की महिला जो कमजोर वर्ग है समाज के, जो अत्यंत पिछड़े हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे हैंडीकैप हो जिसे हम दिव्यांग कहती हैं, और कमज़ोर वर्ग है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, उनको आर्थिक सहायता देना, समय समय पर उनकी आर्थिक मदद करना, जो कमज़ोर वर्ग है उनके हितों को बढ़ावा देना, जो कमज़ोर वर्ग है उनके भलाई के लिए कार्य करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो जो महिला है, विकलांग है, कमज़ोर है, आर्थिक रूप से शोषित है, आर्थिक रूप से दबे हुए हैं, ऐसे दिव्यांगों, विकलांगों, महिलाओं, कमज़ोर वर्ग, एससी एसटी के भलाई के लिए उनको आर्थिक सहायता, उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना। अगला है स्थानीय जन समुदाय, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में जो भी भाषा, रीति रिवाज, परम्परा, मान्यता, धर्म, नियम, जो परंपराएं हैं, तो स्थानीय समुदाय की जितने भी लोकल परंपराएं हैं, जितने भी वहाँ की मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जिनका हमें अनुपालन करना चाहिए। तो स्थानीय जन समुदाय की जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, उनका पालन हमें करना चाहिए। तो स्थानीय जन समुदाय है उसकी परंपरा नियमों का हमें पालन करना चाहिए, वहाँ की जो लोकल परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका हमें अक्षरतः पालन करना चाहिए। सरकार के प्रति एक प्रबंधक के नाते, हम एक फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग, व्यवसायिक इकाई, निगम चला रहे हैं, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सरकार है, या जो स्थानीय सरकार है, प्रांतीय सरकार है, या फिर केंद्रीय सरकार है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उनके प्रति हम क्या उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। तो सरकार के प्रति निम्नलिखित दायित्व क्या क्या हो सकते हैं, सभी सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करना। जितने भी सरकार ने एक कंपनी, उद्योग, इकाई खोलते समय जो नियम और कानून बनाए हैं, उन नियमों का, चाहे पर्यावरण से संबंधित नियम हो, चाहे प्रशासन से संबंधित नियम हो, चाहे पेड़ों को बचाने के संबंध में नियम हो, जो सरकार के जो रूल एंड रेगुलेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो भी नियम कायदे सरकार ने बनाए हैं, उन सभी सरकारी नियमों और कानूनों का अक्षरतः पालन करना, और सरकार की नीतियों के हिसाब से, सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं, सरकार ने जो कानून बनाए, सरकार ने जो परंपराएं बनाई, सरकार की जो मान्य परंपराएं हैं, सरकार के जो नियम है, जो प्रचलित नियम है, उन नियमों के अनुसार, सरकार की नियम नीतियों के अनुसार व्यवसाय का संचालन हमें करना चाहिए। सरकार की क्या नीतियाँ हैं, सरकार के क्या सिद्धांत हैं, सरकार के क्या नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से हमें व्यवसाय का संचालन है वो करना चाहिए। व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो। व्यवसायिक उत्पादन क्षमता, हमारी उत्पादन क्षमता है प्रतिदिन लाख प्रोडक्ट बनाने की है, तो हमारी जो उत्पादन क्षमता वो बनी रहे। इसके अलावा हमने जितनी वस्तुओं का लाइसेंस लिया है, उस लाइसेंस का पालन करते हुए उन हमें उतनी ही वस्तु, सेवाओं और प्रोडक्ट का उत्पादन करना चाहिए जो हमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत दिया गया है। तो व्यवसायिक उत्पादन क्षमता, लाइसेंस क्षमता का हमें पूर्ण उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय हित में देश के जो आर्थिक संसाधन है उसका विदोहन करना, राष्ट्रीय हित में देश के जो आर्थिक संसाधन है उनका विदोहन करना चाहिए, उनका
उपयोग करना चाहिए। तो राष्ट्रीय हित में देश के आर्थिक संसाधन है उनका हमें विदोहन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। जो आर्थिक संसाधन है उनको सही ढंग से, उनका अनुचित दोहन नहीं होना चाहिए बल्कि समुचित दोहन होना चाहिए। अनुचित तो हम उनको प्राकृतिक संसाधनों को कहीं नष्ट नहीं कर बैठे, वो प्राकृतिक संसाधन है वो खत्म ही नहीं हो जाए, तो यह भी देखना हमारी जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय हित में देश के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करना, सरकारी क्षेत्र में प्रक्रिया को भ्रष्ट न करना, सरकारी क्षेत्र व प्रक्रिया को भ्रष्ट न करना, सरकार के नियमों को पालना, सरकारी नियमों को मानना, सरकारी क्षेत्र व प्रक्रिया को भ्रष्ट न करना, सरकार के जो नियम स्थापित नियम प्रक्रिया है उनको भ्रष्ट न करना, सरकार के जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको सही ढंग से पालन करना, सरकारी क्षेत्र और प्रक्रिया को भ्रष्ट नहीं करना, सरकार के जो नियम कायदे सिद्धांत बनाए गए हैं उन नियमों कायदों को भ्रष्टाचार कालाबाजारी के द्वारा हम लाल फीता सही के द्वारा उसको भ्रष्ट न करें, उसको रिश्वत न दें। करों का एक व्यवसायिक इकाई उद्योग या फैक्ट्री हम लगा रहे हैं तो इनकम टैक्स तो हमारे ऊपर बनता है, तो करों का सही समय पर भुगतान करना और सरकार को सही विवरण देना हमारे टैक्स का भुगतान। आजकल तो GST चल गए हैं, GST के तहत आप कोई भी चीज़ हमको छुपा कर नहीं रख सकते, तो सरकार को सही सही जानकारी देना, सरकार को सही विवरण देना, करों का समय पर भुगतान करना, कर सही समय पर कब चुकाए जाए उनको ऐसा विवरण प्रदान करना। राष्ट्रीय कार्यक्रम, सरकार के जो भी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल फंड है, जो नेशनल कार्यक्रम है राष्ट्रीय सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर तरफ से जो चलाए जाने वाले कार्यक्रम है, चाहे अल्प बचत हो, परिवार कल्याण कार्यक्रम हो या सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध में हमें सहयोग करना चाहिए। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम चाहे अल्प बचत हो, चाहे कम बचत वाले हो, चाहे परिवार कल्याण का कार्यक्रम हो जिसके तहत परिवारों को आर्थिक सहायता, और जो सरकारी नीतियां हैं उन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे हो, इन नीतियों के क्रियान्वयन में हमें सहयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज मैंने आपको दो बिंदु समझाए हैं, बेटा मोनिका और सत्यदेव बुढ़ानिया, आपको समझ में आ रहा है ना? तो एकदम अच्छे से मैंने आपको समझाया है। एक तो आपको मैंने स्थानीय जन समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व समझाए हैं, इनको आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।